हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं घर। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अभी तो यार फिलहाल गर्मी हो रही है, बहुत तेज गर्मी हो रही है। तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। हमें बड़ा सा थैला और मम्मी लेने आई थी और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम घर आके थोड़ा थक चुके थे इसलिए हम थोड़ा सो गए। अभी हम इधर घूमे और मम्मी ने ना यहाँ राजमा बो रखी है, हम आपको दिखा। ये देखो ये छोटे छोटे पौधे। आजकल लोगों ने छिमी वगैरह बो दी है। ये भी तो ये घास है। हाँ ये है चौलाई, इसकी सब्जी होती है मस्त वाली। और ये पालक है, इसका बीज निकालेंगे। को थोड़ा सा नींबू का पेड़ दिखा देती हूँ। यहाँ देखो कितने सारे नींबू लग रखे हैं, अभी छोटे छोटे। अभी हम मोह मत तोड़ना। छिम्मी कितने सारे नींबू लग रखे हैं। और वो ये पेड़ ना एक बार टूट गया था बरसात के सीजन में, मतलब बर्फ पड़ी थी उस टाइम टूट गया था। दोबारा इसका हमने सही से उसी दिन टेंटिंग पेंटिंग कर दी थी। की पौध और इसमें से अभी कबाड़ा निकाल लिया हमने। मिर्ची के पौधे, आजकल गांव में हरियाली हरियाली है। और ये पिछले साल की गोभी थी, खराब हो चुकी है अभी। और मौसम देखो इतना ठंडा ठंडा गाँव का, कूड़ा लुका रहा है। यहाँ देखो कितनी मस्त घास जम रखी है, फूल भी जम रखे। देखो माल्टे का पेड़, इसमें ना माल्टे लग रखे हैं। पता नहीं कौन से सीजन के माल्टे लग रखे हैं। और कटाई का भी पेड़ पे हमारे यहाँ छोटे छोटे छोटे। मेरे मौसी का गोबर हार। क्या बोला तूने? नानी मोल डाल रहे हो खेत में, इतना बुरा मत करो खेतों के साथ। और यहाँ पे मैं जिसकी फोटो शूट कर रही हूँ वो सच्ची में गोबर निकाल रही थी अभी। वो भी ये देखिए, जिसके भी मैं दो, ये हमारी भैंसी महारानी, ये रही किटीज, ये हमारी प्यारी नन्नी किटीज है। उनकी मामा भी है, सब बैठी हुई है, चाचा भी है। कितनी किटीज है? 1, 2, 2 नहीं है, 4 है। अभी दिखाएंगे, तभी आपको सिखाने देंगे, तभी दिखा सकते। ये देखिए, ये हमारी बिल्लियों के बच्चे। ये देखिए, इसका नाम है रीटा, कीटी, पॉम्पिक्स। पॉम्पिक्स भी आज दूध पी रही है, बच्चा भी आज दूध पी रही है। माँ, इनकी माँ को दर्द हो रहा होगा, इनका एक बच्चा खो गया। क्योंकि गए 3 बच्चे थे, एक बच्चा तो भाग ही गया हूँ आप। ये हमारी मौसी काली काली दिशुक दिशुक। अब मैं दूसरी मौसी से मिलवाऊंगी तो मारेगी मुझे। आए थे गोबर डालने खेतों में, थोड़ा सा अरबी के ऊपर। ये हमारे देहरादून की सहरी बांध, ये हमारी पहाड़न, ये हमारी पहाड़न ज्यादा हो गया।
आराम से जा रहे हैं, आराम से। ठीक है मोटी, जा जा मेरे किसान, गिरना मत। ओ क्यों भारी हो गया था? अच्छा बीपी लो हो जाता तेरा, कोई बात नहीं। इसको चिढ़ा रही थी ना बंदरिया, राम राम से जाना, कहीं गिरा मत देना। ठीक है बंदरिया, गोवर गर्ल, चल चलो चलो गोवर गर्ल। कोई होगी गोवर गर्ल, हट और जल्दी से घर चले जाए, मैं यहीं पे पूरी। तुझे अच्छा लगता है यहाँ की? देहरादून अच्छा लगता है? देहरादून नहीं लगता, यहाँ अच्छा लगता है। तभी तो बोल रही है यहीं रुक जाओ। अब क्या करूँ, मम्मी मोटी है ना, तो उससे क्या हो रहा? मम्मी मार मोटी, मतलब मम्मी मोटी तब मारेगी। जब तुझे गोबर डालना है यहाँ रहना, तो तुझे देखना पड़ेगा कि साफ खेल पेल। ये है हमारी पहाड़न, हाथ मत काटना। ठीक है ठीक है, डाली चढ़ रही है, इसलिए करती थोड़ा काम की, क्योंकि ये बचपन से, मतलब बचपन में बहुत रही है इधर गांव में ना। वापस आ, मुझे लेके आ जा। फिर बकवास कर रही, बाय में जा रही। तेरा प्यार देख लिया, तेरी मुसीबत देख लिया, तेरा बम देख लिया, तेरा प्यार, तूने मेरा प्यार देखा ही कहां भी। मोटी चल दिया, अभी आई गाइस। तो इसको आदत पड़ी है, मतलब यहाँ ऐसे आना जल्दी। मेरी चप्पल छूट जाती है, मैं खुद आती हूँ, तुम जाओ। नहीं नहीं, मैंने भी तेरे प्यार नहीं देगा किसे, मिल मत जा। हाँ मैं तुझे अपना प्यार दिखाती हूँ, और एक डंडा भी लाना साथ में। ठीक है।